अच्छा देवी, किस तरीके से होमगार्ड की मौत हो गई? मौत की ऐसे अगले महीने, इससे पहले महीना जी उनकी बीवी ने कुछ सौदा मंगाई होगी आलू वगैरह, तो ये नहीं लेके आए, और कोई लेके आए, इनसे कहा वापस कर दो। हाँ, ये वापस करने ही पता ही, वापस क्या करने आएंगे जी, इसलिए इनका मस्टॉल पास नहीं हुआ। अच्छा, तो किस वजह से इनकी मौत, क्या उसी को लेकर के? अगले महीने मतलब 6 लोग लगे थे, तो उन्होंने ये कह दिया 5 लोग मस्टॉल पास कर, इनका मस्टॉल पास नहीं होगा जी। इसके बाद ही फिर भी ड्यूटी उनके अगले महीना में ही है जी, इसीलिए टेंशन होता है। कौन से एडीएम है वो? एडीएम प्रशासन। क्या मानती है मौत के कारण, क्या मानती है? टेंशन में मौत हुई है नहीं। किसकी वजह से, कौन जिम्मेदार है इसकी मौत का? वेतन ना मिले फिर टेंशन हुई है, मस्टॉल पास नहीं हुआ टेंशन हुई। मौत का जिम्मेदार किसे मानती है आप? एडीएम साहब को मानेंगे और किसको मानेंगे? एडीएम प्रशासन। धर्मेंद्र सिंह नाम है। आप कौन है? चंद्र नाम है मेरा। आप भी होमगार्ड है? मैं भी होमगार्ड हूँ। कैसे आपके भाई की होमगार्ड की मौत हो गई? कैसे हुई सर, एडीएम प्रशासन के पिछले महीने ड्यूटी की थी जी, एडीएम प्रशासन ने कहा था कि हमारी आलू और ये गोभी नाराज हो जी, इसने नहीं नाराई सर जी, नाराई और उस वजह से उनका मस्टॉल वेरीफाई नहीं किया जी, जो तनख्वाह मिल जाती बच्चों के लिए जी, बच्चों के लिए अगले महीना फिर ड्यूटी वहीं पर गई साहब इनकी जी, इसलिए टेंशन में जा करके इसकी मौत हो गई था। तो क्या मानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार एडीएम प्रशासन है सर। क्या ये निजी काम करवाते हैं अधिकारी? निजी काम करवाते हैं अपना, क्या क्या काम कराते हैं? आलू गोभी नाराज हो इसे, इसमें छिड़काव कर दो, ये काम कराते हैं, इसलिए इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए इसके मेस्टर वेरीफाई नहीं की सर। आप लोगों ने जाम भी लगा दिया था? जाम इसीलिए लगा कि एडीएम प्रशासन आए, बताएं कि इसका मस्टॉल वेरीफाई क्यों नहीं हुआ। फिर भी नहीं आ रहा था। कोई अधिकारी आया यहाँ? कोई अधिकारी नहीं आया 9 बजे के जैसे। जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, अभी एक होमगार्ड की ड्यूटी के तैनात उसकी मौत हो गई है और उनका परिजनों का आरोप है कि जो प्रशासन के कुछ अधिकारी उनसे निजी काम करा देते, इस वजह से उसकी धक्के से मौत हुई, क्या मान? जो संज्ञान में यह है कि कार्डियक अरेस्ट है और उन्होंने जो कहा है वो सुन लिया है, अभी इसमें कमेंट करना तो संभव नहीं है जब तक हम दूसरा कोई बात इसमें वर्जन न लें, लेकिन अभी यह है कि फैक्ट जो है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से मृत्यु हुई है और हमारी तरफ से जो हर संभव मदद है विधिवत जो है इनको दिया। कहाँ पर तैनात है ये होमगार्ड? अभी फिलहाल तो जो बताया गया है वो डीएम साहब के गेट में, एडीएम साहब के, एडीएम प्रशासन पर इन्होंने आरोप लगा रहे हैं इनके परिजन के जो निजी काम कराते थे, इस वजह से उनका मस्टर रोक दिया गया था, इस वजह से मतलब हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा मानते हैं वो लोग। ये इनका आपके सामने कहा है इन लोगों ने, जब तक हम लोग इसके, क्योंकि अभी नवंबर में फिलहाल इनकी ड्यूटी है वो डीएम साहब के यहाँ पे है, तो जब तक वो बाकी चीजों को दिखाएंगे नहीं तब तक कहना इसमें संभव नहीं। क्या आश्वासन दिया परिजनों को? जो हर संभव मदद है उनको दिया जाएगा एक बार पीएम होने के बाद में, उसके बाद उसकी जगह नौकरी भी दी जाएगी जो होमगार्ड में था। अभी इसमें इस तरह से कमेंट हम नहीं कर पाएंगे जब तक एक बार पूरा चेक करने के बाद में जो विधिवत होगा वो दिया जाएगा। थैंक यू।